ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर कार्यालय में अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान सिंधिया ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर के स्वर्ण रेखा नाले पर तैयार हो रही एलिवेटेड रोड को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। हमारी कोशिश है कि आने वाले 2-3 सालों में ग्वालियर विकास के मामले में अव्वल साबित हो। जिले की विकास प्रगति की योजनाओं की है, चाहे हमारा एलिवेटेड रोड है, चाहे हमारे 1000 बिस्तर का अस्पताल और स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात हो, चाहे हमारा नया रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे हमारे पानी की योजना की बात हो, तो अनेक मुद्दों पर हमारी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है। हम लोगों ने रेखांकित भी किया है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, अगले कदम क्या हैं, उसका अगर कोई थोड़ा संकट है तो उसका समाधान भी कैसे लाना है। शेजवलकर साहब और हम और प्रद्युम्न सिंह जी, बाकी सभी लोग, हमारे जिलाध्यक्ष लोग, हमारी इमरती जी, सभी लोग मिल के इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और ग्वालियर का पूरी रूप से हम लोग फिजा अगले 2-3 साल में बदल के हम लोग रखेंगे इन सभी योजनाओं के साथ। ये हमारा संकल्प है।